बसंत के उल्लास का ही त्योहार है होली। इस उत्सव में भले ही अंतिम दिन रंगों से लोग सराबोर हो जाते हैं, लेकिन इस त्योहार के आने की खुशी में करीब एक महीने पहले से ही गीत संगीत और बैठकी का दौर शुरू हो जाता है। इस दौरान प्रकृति की छटा भी निराली हो उठती है, हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं। वहीं मौसम में भी थोड़ा नरमी आ जाती है। जो लोग अपने घरों से दूर नौकरी के लिए गए होते हैं, वे अपने घरों को लौट आते हैं। जो अपने नाते रिश्तेदारों के साथ होली का उत्सव मनाते हैं, खूब नाच गाना होता है। बसंत पंचमी से होली की बैठकी का दौर शुरू होता है। उसमें हारमोनियम पकड़कर गायकी करने वाले भोले बिसे गीतों को तो गाते ही हैं, हंसी मजाक और स्वादिष्ट खान पान का भी दौर शुरू होता है। खासकर मिठाई और गुजिया इस त्यौहार के प्रतीक बन गए। होली से पहले शिवरात्रि का त्यौहार एक अहम पड़ाव है। इसी दिन से खड़ी होली का दौर शुरू होता है। लोग घर घर होलियारों को बुलाते हैं और रंग गुलाल उड़ाते हैं। हालांकि बदले वक्त में होली में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। जहाँ पहाड़ों पर होली के मौके पर झोड़ा गाकर लोग खुशी का इजहार करते थे, वहीं मैदानी इलाकों में अब रंग और गुलाल उड़ाने पर ही लोगों का जोर रहता है। हालांकि बदले वक्त में भी श्वांग और थिएटर की जगह बनी हुई है। उत्तराखंड में महिला होली की भी जगह है। महिलाएं बैठक कर रंग गुलाल तो एक दूसरे को लगाती ही हैं। हंसी ठिठोली भी महिलाओं की सभा में खूब देखने को मिलती है। इस दौरान झिझक पूरी तरह से टूट जाती है और हर तरफ होली की मस्ती नजर आती है। उत्तराखंड के कुमाऊं में पुरुषों की होली भी आकर्षण का केंद्र होती है। इस दौरान पुरुष सफेद वस्त्रों में होली के गीत गाते हैं और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड, 360 न्यूज़।